सेगांव क्षेत्र में सोमवार सुबह से ही हो रही तेज बारिश के बीच नदी नाले उफान पर आ गए हैं। खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर स्थित बोराड़ नदी में बारिश के बाद आई बाढ़ से मार्ग अवरुद्ध हो गया। वहीं समीप बोराड़ नदी पर बनी पुरानी पुलिया के ऊपर से पानी गुजरने के कारण दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। कई यात्री वाहन भी फंसे हुए थे। करीब एक घंटे से अधिक समय से आवागमन अवरुद्ध है। हम आपको बता दें कि बोराड़ नदी पर करीब 6 वर्ष से पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य धीमी गति से होने के कारण इस बारिश में लोगों से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हाईवे पर बनी पुलिया ऊंचाई कम होने से थोड़ी सी बारिश में पुलिया के ऊपर से पानी गुजरने लगता है, जिससे अक्सर घंटों तक मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।